हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें रैंडम एक्सेस टू फाइल। जब भी हमने एक फाइल में से डाटा रीड करना है और कहीं से भी रीड करना है, जब भी हम एक फाइल में से किसी भी पोजीशन से डाटा रीड करना चाहते हैं तो इस प्रोसेसिंग को रैंडम एक्सेस कहा जाता है। रैंडम एक्सेस में हम एक फाइल में से किसी भी पोजीशन से डाटा रीड कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेसिंग कंपाइलर रीड्स डाटा फास्टली, और इस प्रोसेसिंग में कंपाइलर फास्टली डाटा रीड करता है। और ये सबसे अच्छी टेक्निक है। जब फाइल बहुत लार्ज हो, बहुत बड़ी फाइल हो, तो इस टेक्निक से फाइल फास्टली रीड की जा सकती है। इस टेक्निक में हमें फाइल की पोजीशन बतानी पड़ती है जहां से हमने डाटा रीड करना शुरू करना है। पोजीशन बताने के लिए पोजीशन मार्कर इस्तेमाल किया जाता है। तो रैंडम एक्सेस हमने समझा क्या है। रैंडम एक्सेस, व्हेन डाटा कैन बी रीड फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ ए फाइल, जब एक फाइल में से किसी भी पोजीशन से डाटा पढ़ा जा सके, तब इस प्रोसेसिंग के तरीके को रैंडम एक्सेस कहते हैं। इस प्रोसेसिंग में कंपाइलर फास्टली डाटा रीड करता है, और ये सबसे अच्छी टेक्निक है जब फाइल बहुत बड़ी हो। और इस केस में हमें फाइल पोजीशन बताने वाले मार्कर को उस पोजीशन पे भेजना पड़ता है जिस पोजीशन से हमें डाटा रीड करना शुरू करना है। तो फाइल को कैसे असेस करना है? सबसे पहले टेक ए पॉइंटर वेरिएबल फॉर ए फाइल, फाइल के लिए पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। फाइल स्टार फाइल पॉइंटर वेरिएबल सेमीकॉलन, ये सिंटैक्स है। FILE फाइल कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए जब भी फाइल पॉइंटर वेरिएबल लेना है। फाइल पॉइंटर वेरिएबल क्यों लेना है? क्योंकि हमने जिस फाइल में से डाटा रीड करना है उसको फाइल पॉइंटर वेरिएबल में रखना है। सेकेंड स्टेप में हमें उस फाइल को ओपन करना है, और ओपन करके उस फाइल को पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है। फाइल पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू एफ ओपन फाइल नेम कॉमा फाइल असेसिंग मोड लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड स्टेप में हमें रीड राइट ऑपरेशन करने हैं, और लास्ट में फाइल को क्लोज करना है। एफ क्लोज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और फाइल पॉइंटर वेरिएबल के साथ। इसी के साथ सेशन को एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस टाइम।